कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश भर में खूब तबाही मचाई। बिहार में भी सैकड़ों लोगों की कोरोना के वजह से मौत हो गई। ऐसे में सूबे में कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें कि कोविड-19 से मौत होने पर मुख्यमंत्री आपदा कोष से आश्रित को 4 लाख रुपए मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। लोगों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के कोविड कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल या मैसेज कर प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। इसके बाद कोई भी पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले बिहार सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया था। सरकारी घोषणा के अनुसार वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन्हें बालिग होने तक सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। हालांकि बालिग होने के बाद उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर भले ही ब्रेक लग गया है, संक्रमण दर 1% से भी नीचे आ गया है, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण मंगलवार को 34 व्यक्तियों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 5400 पहुंच गया है। ABP News आपको रखे आगे।